नमस्कार। Live24 न्यूज के लिए मैं अविनाश आलम। न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी खबर बताते चलूँ कि भारत के प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अब रात के 12 बजे से लेकर 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया। कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्क रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो है पब्लिक मीटिंग्स में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्क दिखे। उन्होंने ये भी सख्त निर्देश दिया, जो लोग इस नियम को नहीं मानेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कह चुके हैं कि अगर कोरोना वायरस को लेकर पब्लिक से अगर अपनी सिस्टम को नहीं करेंगे बरकरार तो उन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे चुके हैं। अगर नहीं मानेंगे, इसको लेकर एहतियात नहीं बरतेंगे तो उन पर कानूनी प्रक्रिया के तौर पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ी खबर Live24 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर रात के 12 बजे से लेकर 21 दिन के लिए किया गया लॉकडाउन। सबसे बड़ी खबर बताते चलूँ मैं आपको, एक तरफ लगातार कोरोना वायरस को लेकर सरकार एक तरफ काफ़ी सतर्कता दिख रही है, वहीं इस बीच हमारे संवाददाता ने कई बड़ी जानकारियां दी। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है और हॉस्पिटलों की जहाँ तक की व्यवस्था की बात है, वहाँ हॉस्पिटलों में बेहतर व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतज़ाम किया जा चुका है। कई हॉस्पिटलों का किया गया निरीक्षण, हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने की कई हॉस्पिटलों का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पता चला कि हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, जहां लगातार जो है विधि व्यवस्थाओं को लेकर सरकार काफ़ी स्ट्रिक्टली दिख रहा है। ऐसे में सरकार एक तरफ भले ही कोरोना वायरस को लेकर कड़ी निंदा करते हुए नजर आए, जहाँ तक कि सरकार की दिशा निर्देश पर करेंगे अब काम, सरकार अपनी एजेंडाओं को बदलते हुए नजर आ रही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री लगातार जो है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या पब्लिक मीटिंग्स में हो, वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं बिहार के किशनगंज जिला में हमारे संवाददाता उन्होंने की लगातार पड़ताल, कई हॉस्पिटलों का किया मुआयना के उपरांत में मिला कई जगह व्यवस्थाओं को लेकर अच्छी खबर। अब जो देखना है कोरोना वायरस से सरकार की जिस तरह से पहल चल रही थी वो क्या कुछ रंग ले आ पाती है, क्या देश में बदलते की जो प्रतिक्रिया है वो नज़र बदलता हुआ दिखेगा, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। मैं किशनगंज से न्यूज़ स्टूडियो से मिन्हाज आलम, Live24 न्यूज़ के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को YouTube पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी पत्रकारिता आपका प्यार। धन्यवाद।